लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और इस बीच कंगना रनौत जो कि हिमाचल से संबंध रखती हैं अभिनेत्री, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो किस तरह से तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या कुछ अगर मंडी से चुनाव लड़ सकती हैं कंगना रनौत तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज हर विश। अगर वो सोचती है, वो सक्षम है, लड़ सकती है तो ठीक है, एंड रेस्ट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है। जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है तो ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे। बाकी तैयारी क्या है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल की? देखिए, ऐसे तो हमारे लोग सभी जानते हैं कि 24 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम पूरी तरह से फील्ड में उतर चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं और जहाँ जहाँ कोई कमियां नजर आ रही है उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और जो हमने काम करना है इस इलेक्शन के लिए, वो अपनी अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए भी हमने कड़े कदम उठाए हैं और निर्देश भी दिया है पार्टी वर्कर्स को कि आप इसकी तैयारी करें ताकि हम 24 का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत सकें। मैम, कांग्रेस सरकार बनने के बाद तय किया गया था कि मंत्री यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन वो बैठ नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि मंत्री के बीच में बैठे, तो कब तक ये वो कार्यकर्ता? देखिए, मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से ये बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे। अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें और उन्हें समय देना चाहिए, ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में ही होनी चाहिए। तो मैं दोबारा उनसे पेश करूंगी कि कुछ समय वो पार्टी को भी दें। मैम, सांसद हैं आप और क्या अगर हाईकमान आपके द्वार से होती मंडी से इलेक्शन लड़ने के तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? That is for the high command to decide कि मुझे देते हैं, किसको देते हैं। जिसको भी देंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम पार्टी के कैंडिडेट को अच्छी मार्जिन से जीत हासिल करवाएं। मैम, 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति को किस तरीके से देखती हैं 5 राज्यों? देखिए, जब तक हमारे तक आवाज पहुंच रही है, जो हम थोड़े अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमें लगता है कि लोगों के मन में इस बार बदलाव की लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मोदी की सरकार को अब 10 साल लोगों ने देख लिया है, जो उन्होंने वायदे किए थे ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने, जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, उन्होंने यहां पर भी आकर मोदी जी ने कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा, मैं रोजगार दूंगा हमारे नौजवान साथियों को और भ्रष्टाचार हटाऊंगा, तो इस पर कहीं भी वो सफल नहीं हुए हैं। तो इसलिए लोग भी अब काफी रुष्ट हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये चुनाव है इसमें अवश्य बदलाव होगा और नया नेतृत्व तो प्रदेश देश को मिलेगा, ताकि हम अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाएं और लोगों की जो चाह है उसको पूरा करें। एक साल हमें लगभग होने वाला है सरकार को, 3 मंत्री के पद अभी खाली है और निगमों बोर्डों में भी ताजपोशियां नहीं हुई है उस हिसाब से होनी चाहिए थी, आप भी लगातार बात करती आई, कुछ कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी गई है, तो क्या मानते हैं क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अब आपकी भी बात पार्टी हाईकमान से हुई होगी, कब तक जो है ताजपोशियां हो जाएंगी ताकि आगे जो है लोकसभा चुनाव में भी परेशानी ना आए पार्टी? देखिए, मैंने अपना पक्ष सरकार के सामने कई बार रख चुकी हूँ, कई बार मैंने ये बात कह दी है कि इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो जिले जहाँ से हमारे मंत्री बनने चाहते उसके बारे में भी हमने बात की है। अब दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि आप किस कब तक ये निर्णय लेंगे और कब तक ये ताजपोशी करेंगे।